इसमें थोड़ा सा इन्होंने ब्रेकफास्ट करना वो नाल ही रेस्टोरेंट है। थैंक यू वेरी मच। नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवेज हाईवे उन्होंने असं हरा भरा बनाना है। ये जो ड्राइविंग है उन्होंने और भी रेजनेबल बनाना है। इस स्कीम के तहत असं पंजाब के 1,30,000 रुपये लाने का असं उपरा किया है। इस एक्सप्रेस के तकरीबन 20,000 रुपये ला रहे हैं। ये सारी जो बूटे लाने का जो स्कीम है वो एक थीमेटिक प्लांटेशन का स्कीम है। असली के तहत बूटे ला रहे हैं। ये बूटे में जो पहली लाइन की होगी वो स्क्रब स्पीसीज होगा, मिडिल लाइन फ्लावरिंग ट्री का, लास्ट लाइन जो है वो ये जो प्लानिंग हुई है इन्होंने भी ये शूट करना है तो कामयाब करना है। ये मैं उम्मीद है कि एक मुहिम शुरू हो गई क्योंकि पंजाब के बीच काफ़ी हाईवे निकल रहे हैं। तो अगले दो साल के बीच भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे है कटरा कटरा एक्सप्रेस वे वो भी निकल रहा है। तो इस करके जिन्हें भी जो हाईवे है वे जिन्हें भी बाहर के जो भी आते हैं विजिटर है या टूरिस्ट है उन्होंने भी ये लगे कि पंजाब हरा भरा रोड से भी हरा भरा है। असी ये सारे असं बेनती करते हैं कि तुम इस मुहिम ने सू सपोर्ट करो कि पद तो पद अपना भी उपराला भी दूर पाओ। थैंक यू, धन्यवाद। भाई नाल नाल हो जाओ, कैमरा है, फोटो शूट की आदमी ਗੱਲ जी। तुम देख रहे हो खालसा टीवी चैनल, मैं हैप्पी कुराली। तो अज आप इकट्ठे हुए से इतने नैशनल हाईवे के उत्ते जो कि कुराली तो आनंदपुर साहब में जाता है। तो इस हाईवे अज अपने वन विभाग और जंगली जीव सुरक्षा विभाग पंजाब वालों नैशनल हाईवे ग्रीन मिशन पंजाब का उद्घाटन किया गया। श्री विद्या भूषण कुमार जी IFS मान्योग मुख वनपाल पंजाब वालों तो जो इतने अज इन्होंने प्लांटेशन की है ट्रीज लगाए ने ते बहुत ही वधिया गल है कि पंजाब दे विच जिवें कि पिछले दिनी ऑक्सीजन दीआं कमियां होईआं सी ते उन्हां नूं देखदे होए जो कि यह मिशन इन्होंने चलाया है बहुत ही वधिया मिशन है। तो आने वाले समय दे विच ये लोगों लई बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल होगा। तो आपां इन्हां दे ऑफिसर साहबां नाल भी गल करांगे। धन्यवाद सर। जिहड़ी बूटे लाण दी मुहिम चलाई गई है आप वल्लों इस बारे की जानकारी है आप कि किस तरह का यह तुहाडा सारा प्रोजेक्ट है? देखो अज आपां कुराली कीटपर रोड के 31 किलोमीटर स्टोन पर खड़े हैं।
इत्थे नैशनल हाईवे ग्रीन मिशन प्रोजैक्ट की शुरुआत अज साडे प्रधान मुखवणपाल जी द्वारा की गई है। यह सड़क जिहड़ी हैगी है कीरतपुर साहब तक 44 किलोमीटर का स्ट्रैच है, जिस दे विच फ्लाईओवर कढ के 38 किलोमीटर के करीब यह एन एच आई की सड़क हैगी है। एन एच आई ने सानू फंड मुहैया करवाए ने ते जगह दित्ती है। असी इत्थे 20,000 टाल प्लांट्स फुल्लां वाले ते टिंबर स्पीशीज ते फलां बारे मेडिसिनल सारे तरह के प्लांट्स असीं लगाउण जा रहे हैं। तो इसदे लई प्रोटैक्शन दे लई असीं बैंबू ट्री गार्ड लए ने ते बारबड वायर लई है, पिलरस लए ने। सो साडा मिशन है 5 सालां दे विच इत्थे पूरा हरिया भरिया जंगल बन जाए, क्योंकि इत्थे धार्मिक स्थान पैंदे ने, श्री आनंदपुर साहब कीरतपुर साहब नूं लोक जांदे ने, वैष्णो देवी नैना देवी जी जांदे ने। सो लोगों को खुशी महसूस होएगी कि जिते धुप्प दे विच आपां सड़दे सी, एक शानदार फुलदार सारा एक एसथेटिक माहौल जिहड़ा देखण नूं मिलेगा। मिशन का नाम की रखा जी? ये मिशन नैशनल हाईवे ग्रीन मिशन है। इस दे विच जिन्नियां भी एन एच आई दीआं सड़कां ने पंजाब च, क्योंकि उन्हां तों प्लांटेशन दे विच सफलता बहुत घट सी, इसलिए महकमे नूं वण विभाग नूं हैंडओवर कीतीआं ने, फंड मुहैया करवाए ने। ये बठिंडा संगरूर सारे ज़िले तकरीबन ये लंघ रही ने। सो ये कड़ी वजों अज यह एक धार्मिक रस्ता होने के नाते, मैं कह सकता रिलीजियस पाथ है, एक सारे पासे नूं जांदा, इसलिए इसकी शुरुआत अज पवित्र अपने चरणां प्रधान मुखवणपाल जी वालों ये पवित्र रास्ते की शुरुआत ग्रीन करन दी कीती गई है। यदा रख रखाव 5 साल ही वन विभाग करेगा, इसलिए असं बैंबू के ट्री गार्ड ला रहे हैं ताकि जो ये कोई नेचर को खतरा ना हो, चोरी भी ना कोई कर सके। बारबड वायर सानू फॉरेस्ट कारपोरेशन पासों मिली है, ये असं पिलर खरीद लेने। सो ये आँदे 15 दिन असी सारी सड़क में हरिया भरिया कर देना। तो बड़े बूटे ला रहे हैं असं 6 से लैके 8 फुट की हाइट के, तो बड़े डाए वाले बूटे ला रहे हैं ता जो ग्रेजिंग तो भी हाइट तो उपर हो जाए। तो मैं आस है कि असी 100% इनू सफलता देवे, 20,000 बूटा कायम करके दिखावे। ठीक है, धन्यवाद।